सुहेल, आपको पता है कि अब तक सलमान शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई, क्योंकि वो जानते हैं कि आदमी चाहे परमीत के जैसे बदमाश कंपनी चलाता हो, सुपरमैन की तरह बदमाशों से तरकता हो, शादी के बाद सबकी हालत सुरिंदर के तबले जैसी हो जाती है। और इसी बात को प्रूव करने आ रहे हैं हमारी लीडर जोड़ी के सिद्धार्थ एज सुपरमैन एंड भारती एज हिज इंस्पेक्टर वाइफ। प्लीज वेलकम देम। सुपरमैन। अरे भैया कैसे हो? अर्चना जी मेरा भाई है। पहले ये सुपरमैन बनने वाला था, बाद में इसने मना कर दिया, बोला मैं अंदर कच्चा नहीं पहनता तो बाहर कैसे पहनूंगा। लेकिन मैं हूँ सुपरमैन, यारों का यार, दुश्मनों का दुश्मन, मैं सबको मारता हूँ। ए नल्ले, पहले झाड़ू मार। हाँ झाड़ू भी मारता हूँ। क्या सोहेल जी, सुपरमैन हूँ लेकिन हैरी पॉटर बना दिया है मेरे को। आदमी बाहर सुपरमैन होए, घर में तो ऐसा ही होता है। और शादीशुदा आदमी को भी यही हालत होती है। आप भी शादीशुदा हैं, लेकिन आप बहुत खुश नसीब है। मेरे बहुत प्रॉब्लम चल रहे, मेरी बीवी मेरे को बहुत टॉर्चर करती है, क्या बताऊँ मैं आपको। माही सूरी के एक्ट बैक टू बैक दिखाती है, और ऐसे इनके एक्ट होते एक सोनी चैनल पे चलते, उधर डिस्कवरी वाले गेंडे भड़क जाते। एक कुंडिया, बकवास नक्को काम कर। अर्चना जी, ये मेरी बीवी है, मैंने पुलिस वाली के साथ शादी की ना, सुहाग रात के दिन ही मेरी सारी ताकत चली गई। सच्ची अर्चना जी, सारी। फिर मैं सुबह उठ के बोला, बहन जी सारी। देखो कितना कमजोर हो गया हूँ मैं। मैं उड़ भी नहीं सकता। एक सुपरमैन जो सुपर हीरो है वो उड़ नहीं सकता, और अंकिता लोखंडे को देखो, बिना बात के उड़ती है। परसों तो मैंने ट्राई भी किया था छत पे उड़ने के लिए, लेकिन पतंग के मांझे में ऐसा फंस गया, ऐसा फंस गया, क्या क्या कटा है आपको नहीं बोल सकता। अरे एक्ट शुरू होने से पहले मेरी एडिटिंग हो गई। ए बकवास बंद कर। फत्ता माजी सटकली। साला कबूतर बनकर ऐसे बैठा है कि जैसे इसे कोई देखेगा नहीं, अंडे दे रहा है सिंगम। अरे मैं सुपरमैन हूँ। नल्ले इधर आ, इधर आ। हैं साला सुपरमैन, सुहाग रात के दिन भी बेड पे नहीं आया, ऊपर ही ऊपर उड़ता रहा। अरे तू सुपरमैन है कि ऊपरमैन है? माझा बब्बू हलकर, ये चादर मैंने बेड पे बिछाई थी ना, तो कुत्रिया पीछे क्यों बांधी है, पीछे क्यों बांधी? आज फिर से चड्डी ऊपर पहन ली, फिर से ऊपर पहन ली। अरे मेरी किधर फटी है जो मैं अंदर पहनूंगा? लेकिन मेरी बहन, मेरे को क्यों उतना तकलीफ देती है तू? साले हलकट, शर्म नहीं आती बीवी को बहन बोलता है? अभी सारी ताकत खत्म हो गई, अभी डार्लिंग बोल के क्या उखाड़ लूंगा मैं। वैसे तेरी शादी किसी सुपर हीरो के साथ होने वाली थी, जैसा तेरा साइज है ना, तेरे को सुपरमैन ही बनता है। सोहेल भाई, कॉमन मैन का काम नहीं है ये। क्या बोला मैं? नहीं नहीं, मेरे किस्से सुनाएगा? नहीं वो तेरा किस्सा सुनाऊं? नो नो। सोहेल जी ऐसा नहीं था पहले ये। अरे हट्टा कट्टा था, इससे बॉडी थी, आपकी तरह दिखता था, बस ये हैंडसम नहीं था। अरे जब से इसके साथ शादी की है, किस्मत फूट गई मेरी। तो मैं कौन सा खुश हूं तेरे से शादी करके? इससे अच्छा तो मेरी शादी रोशनी से हुई होती। सोचो हम दोनों, रोशनी और मैं, ऐसे उड़ते रहते और नीचे लोग हमें देखते। अच्छा, जैसे ये कपड़े पहनती है ना, लोग सिर्फ ऊपर ही देखते हैं। उसकी बेइज्जती नहीं करने का, मुझसे बहुत प्यार करती हो मालूम है?
बात बात में पप्पी मांगते मुझसे। अरे नल्ले ध्यान से देख, वो पप्पी नहीं मांगती, उसके लिप्स ही ऐसे हैं बत्तक जैसे। बत्तक? हाँ। रोशनी, what the duck is this? बड़ा हीरो बन रहा है, तेरी करतूत बताओ। हाँ क्या? सुहेल जी, जब हमारी शादी हुई ना, मैं सुहागरात के लिए कमरे में आई तो अपनी चादर से घूंघट निकाल के बैठा था। अरे उल्टा मुझे 250 रुपए मुंह दिखाई देनी पड़ी। लेकिन जब ऐसा मुंह देखा ना तो 500 रुपए दिए मैंने उल्टा मुंह छिपाने के लिए। नल्ले तू ये कच्चा यहाँ नहीं मुंह पे डाला कर। मैं मेरा कच्चा मुंह पे नहीं डाल सकता। क्यों? वो मेरी पैंट गलत जगह फटी है। चल निकल यहाँ से। नल्ला पति है। सुहेल जी तरस आता है, अब तो इसको देख के तरस आता है। ऐसा नहीं था, मुझे आज भी याद है वो पहला दिन जब मैं अपने सुपर हीरो से मिली थी। क्या दिन था वो। अरे जिंदगी से परेशान हो गई थी मैं, मरने के लिए पटड़ी पर चल पड़ी थी। नहीं जीना मुझे, नहीं मत रोको मुझे। हट जाओ लड़की, ट्रेन आ रही है। हो जाएगा। तुम मेरी जान की परवाह मत करो। अरे तेरे जान की कौन परवाह कर रहा है, वो तो 250 पैसेंजर है, उनकी जान की परवाह कर रहा हूँ मैं। हट जाओ, हट जाओ। नहीं जीना चाहती मैं। अरे इस आजाद हिंदुस्तान में इस कमसिन कली को आज तक किसी ने फूल नहीं मिलाया खिला के। 18 साल हो गए, चोली तंग हो गई है, लेकिन आज तक किसी लड़के ने तंग नहीं किया। उनकी शामत आई तेरे को छेड़ने के लिए। अरे तू बाहर जा, उधर छेड़ेंगे तेरे को। नहीं, मैंने फैसला किया है। क्या? जब तक कोई लड़का मुझसे शादी का वादा नहीं करेगा मैं इस पटरी से हटूंगी नहीं। शादी? हाँ। मैं Yes! मैं तेरा भाई, तेरे लिए वर ढूंढूंगा। अरे नल्ले, तू शादी का वादा कर मुझसे। मैं करता क्या ट्रेन उड़ाऊ? नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे से शादी करता हूँ। मुझे ले चलो यार। चल चल चल, क्या हुआ? भाई मेरा पैर फंस गया। पैर फंस गया? मम्मी ट्रेन आ रही है। अरे ट्रेन आ रही है, मुझे बचाओ। बचाता हूँ मैं हूँ सुपरमैन, मैं तुम्हें पटरी उठा के बचाऊंगा। 1, 2, 3 जय महाराष्ट्र। यस, हम एक पटरी से दूसरी पटरी पे आ गए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली साबरमती एक्सप्रेस अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। क्या? अरे मुझे बचाओ, ट्रेन आ रही है। मुझे लगता है घर से निकलते हुए साबरमती ने तय किया है कि तुरे को उड़ाएगी जो। अरे प्लीज सुप्पू आगे आओ ना जरा। सुप्पू प्लीज, तुम ट्रेन के साथ साथ क्यों नहीं भागते? अरे भागा था एक दिन। हा? मैं ट्रेन के साथ साथ भागा था। हा? फिर किसी राज ने मुझे सिमरन पकड़ के अंदर ले लिया। उसके बाद जो हुआ है। अरे पागल, तुम्हें चेन खींचनी चाहिए थी। कैसे खींचू, राज ने लुंगी पहनी थी। फिर जो छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें हुई है ना, राज बोला मुझे, तूने मुझे नाराज नहीं किया, अपने सारे जोहर दिखा दिए। जोहर वोहर बंद कर, एक मिनट मुझे बचा। चलो चलो बाजू है। ऐसे हुई थी मेरे पहले हीरो से मेरी मुलाकात। लेकिन अर्चना जी, अगर मैंने टीवी पे बता दिया ना कि आपकी और मेरी मुलाकात कैसे हुई थी, तो आप अगले एपिसोड में बैठ नहीं पाओगी। मुझे आज भी याद है वो बरसात की रात, भीगा हुआ अर्चना,
धीरे से मेरे पास आया। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव। मेरे होंठ ऐसे कांप रहे थे। ओह शख्स। तड़कती बिजली, भड़कती सांसें, अर्चना धीरे से मेरे पास आया, मेरी कमर में हाथ डाला और मेरा पर्स चुरा के ले गई। सच्ची बोल रही हूँ, तब से ढूंढ रही हूँ अर्चना को, यहाँ जाके मिली है। अर्चना, या तो मेरा पर्स वापस कर दो या फिर अच्छे नंबर दे दो। चलिए मैं तो इनसे बाद में निपट लूंगी। सुहेल, आप बताइए आपको इनका एक्ट कैसे लगा? Fabulously written act and fabulously done act. Wow. Thank you. Wow. आपने एक कमाल का टैलेंट है। आप विथ योर फेशियल एक्सप्रेशंस, आप अपने बॉडी लैंग्वेज को भी बहुत यूज़ करते हो। थैंक यू। विच इज़ जैसे कि अगर आप कोई भी पुरानी फिल्म देखोगे, यू नो, फ्रॉम चार्ली चैपलिन टू लॉरेन हार्डी, यू नो, दे यूज़ टू बी स्लैपस्टिक कॉमेडियंस। आई मीन, दे यूज़ टू यूज़ अ बॉडी लैंग्वेज, एंड आई थिंक दैट दैट इज समथिंग दैट एज अ टीम यू गाइज डू इट फैंटास्टिकली वेल। थैंक यू सर, थैंक यू। अर्चना, आपको कैसे लगा इनका एक्ट? बरसों से कॉमेडी सर्कस चला आ रहा है, ये मंच बहुत कम लोगों को अपनाता है, बहुत कठिन और कठोर और मुश्किल यहाँ पर खड़ा होना है। इस मंच ने आपको अपनाया है, उससे ज़्यादा आपने इस मंच को अपना लिया सिद्धार्थ। यू ओन द स्टेज व्हेन यू आर। अरसे बाद भारती को ऐसा टक्कर वाला और वजनदार पार्टनर मिला है। वाह वाह। चलिए तो अर्चना, नंबर अच्छे अच्छे दे दीजिए। 9 points, well done. भारती, मेरी नकल करने का हक सिर्फ आपको है, तो थोड़ा पाउट वाउट करके पूछ लीजिए सुहेल से कितने नंबर देंगे आप इन्हें। जी ना सुहेल जी, जी ना सुहेल जी।